जरूर चमगादड़ ने खाने, उनका यूरिन पीना है, उनका खून पीना है और पूरी दुनिया में वायरस फैला देना है। हमारे तो अल्लाह का शुक्र है यार, 18 से 20 करोड़ बंदा है, कम लोग हैं और हमारे यहाँ केसेस भी कम है। अल्लाह ना करे हिंदुस्तान में आउटब्रेक, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं और बड़ी कम वैसिनिटी में लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में, मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, कोरोना की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का कार्यक्रम छोटा होने और इंडियन प्रीमियर लीग के आगे बढ़ने से नाराज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने गुस्सा जाहिर किया है। अपने YouTube चैनल पर शोएब अख्तर ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है, मेरे गुस्से का सबसे बड़ा कारण PSL है। कई सालों बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लौटा है। PSL हमारे देश में पहली बार हो रहा था और अब उस पर भी खतरा है। दोस्तों, शेड्यूल में हुए बदलाव से शोएब अख्तर खासे नाराज दिखे। उन्होंने वीडियो में कहा, मुझे समझ नहीं आता आप चमगादड़ क्यों खाते हो, उनका खून और पेशाब पीना है और पूरी दुनिया में वायरस को फैलाना है। मैं चीन के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, उन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता आप चमगादड़ कुत्ते और बिल्ली कैसे खा सकते हैं। ये समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने हलाल जानवर बनाए हैं, वो हलाल जानवर खा लो, जरूर चमगादड़ें खानी है, उनका यूरिन पीना है, उनका खून पीना है और पूरी दुनिया में वायरस फैला देना है। मैं चाइनीज की बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती, जब इतना अल्लाह ने लाइफ स्टॉक दिया है हलाल माल में से, वो खा लो, कौन सा खा रहे हैं, चमगादड़ें कुत्ते बिल्लियाँ खा रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया को एट स्टेक में ले आए हैं चाइनीज और I'm really angry। दोस्तों, शोएब अख्तर ने आगे कहा, पूरी दुनिया अब खतरे में है, टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित है, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और पूरी दुनिया बंद होने की ओर बढ़ रही है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐसी आदतों को रोकने के लिए कानून बनाने तक की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, मैं चीन के लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं जानवरों को लेकर बने कानूनों के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ ये आपकी संस्कृति हो सकती है, लेकिन अब आपको इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी और सब कुछ नहीं खा सकते। जैसे ओवर वन वायरस, ये अल्लाह की ताकत है और अल्लाह की ताकत आपने देखी है और अल्लाह कैसे अपने रिट कायम करता है, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की वजह से हो रहा है। और ह्यूमैनिटी को बहुत जल्द समझना चाहिए कि अल्लाह की ताकत का कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, शोएब अख्तर ने IPL को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि IPL 15 अप्रैल से होगा, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर सबको इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा। 130 करोड़ का मुल्क है, अल्लाह ना करे, मेरे अभी हिंदुस्तान वाले दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने कहा अल्लाह ना करे यार वहाँ पे आउटब्रेक हो, और वहाँ पे तो बॉम्बे में तो खाली 90 लाख बंदा खाली ट्रेन में आता है दिन में रोज़। हमारे तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ 18 से 20 करोड़ बंदा है, कम लोग हैं और हमारे यहाँ केसेस भी कम है। अल्लाह ना करे हिंदुस्तान में आउटब्रेक हो जाए या बांग्लादेश में आउटब्रेक हो जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और बड़ी कम वैसिनिटी में लोग हैं, अगर वहाँ पर आउटब्रेक हो गया अल्लाह ना करे, तो वहाँ पर अगर खुदा न खासा 2 से 3 करोड़ बंदा बीमार हो गया, वो तो कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल में हिंदुस्तान की या बांग्लादेश में कहीं पे इतने कैटर करने के लिए। सो बट रियली एंग्री टू सी दिस कि ना अजीब अजीब चीज़ें खा के आपने इंसान के लिए अपना तो बेड़ा गर्क कर ही लिया, हमारा भी बेड़ा गर्क होने वाला है यहाँ पे। दोस्तों, कोरोना वायरस का असर दुनिया के 100 से अधिक देशों में है। भारत में कोरोना वायरस के 80 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 1.25 लाख पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। इनमें मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या चीन में है। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।